हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जाड़ी एंड भैलू व्लॉग्स। तो आज सुबह मैंने व्लॉग नहीं किया, मैं जिम जाके आया। मेरा रोज रोज वो दिखाने से थोड़ा आज अलग करता है। तो आज रेडी हो गया हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे नए घर पे। और आज हम लोग थोड़ा दिखाएंगे हमारे घर का क्या वर्क चल रहा है, कितना हुआ है, क्योंकि हम हर टाइम बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं पर दिखाते नहीं क्या हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, निधि भी आ रही है और थोड़ा उधर का वर्क हम लोग आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये वीकेंड संडे हम लोग जाने वाले हैं हमारे गांव, तो उसके लिए सब टिकट बुक करना था। तो वही बुक कर रहा था टिकट। बहुत सारे लोग हैं ना, 11 लोग को जा रहे हैं हम लोग, तो सबका टिकट बुक करना है और सबको साथ में भी चाहिए और वो सब टिकट बुक करा था, इसलिए थोड़ा टिकट बुक कर रहे थे बस। बाइक के कपड़े ना फट गए, अब इसके लिए नए कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये कपड़े उसके नहीं थे, ये कपड़े उसके भाई के थे। मतलब मेरी मम्मी का जो स्कूटर है ना, उसका कवर है ना, उस पर ये उस पर लगा दिया है, तो उसके भाई का हो गया ना ये कवर। तो कपड़े छोटे हो रहे थे इसलिए फट गए। अभी नया लेना पड़ेगा। हाय, गुड मॉर्निंग पीपल। आज मैं रियान को लेकर ना हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल ऐसे मेरे हॉस्पिटल नहीं, उसका चेकअप कराना है। उसको स्किन पे पता नहीं कुछ तो रैशेज हुए रेड कलर के, और उसको बहुत इचीनेस होता है, वहाँ पे बहुत खुजाते रहते हैं हमेशा। तो मैंने सोचा आज थोड़ा हॉस्पिटल लेट जाती हूँ और उसको हॉस्पिटल में एक बार दिखा के आती हूँ। ऐसे बहुत इची स्पॉट्स हुए उसको, तो मैंने सोचा जाके हॉस्पिटल में एक बार दिखा देती हूँ क्या है। अब इसमें मेन काम तो ये है कि उसकी फ़ाइल ढूँढना। घर का शिफ्टिंग हुआ उसके बाद से मुझे उसकी फ़ाइल मिल ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ पे, कौन से ड्रॉवर में किधर रख दिया, पूरा चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी रियान को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेट हो गया, 11 बजे का अपॉइंटमेंट था और अभी तक हम लोग यहीं पे। और सब इस बच्चे की वजह से हुआ है। ये इतना लेट उठा, सुबह 7 बजे उठ गया था और फिर एकदम से आराम से सो गया। मैं जाग गई, वो सो गया था, और फिर डॉट 10:45 बजे उठा। तब 10:45 बजे उठा तो रेडी वेडी होके टाइम तो लगेगा ना भाई। तो इसका मुंह देखो, इसको अभी तो समझ में नहीं आता कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा ना, इसको समझ में आने लगेगा कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इंजी लगेगा तो रोएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वैसे जितने भी बच्चे आते हैं ना, सब रोते हुए ही आते हैं, बड़े बड़े। वैक्सीन लेने, इंजेक्शन लेने, दवाई लेने, उनको समझ जाता है ना, फिर रोना चालू कर देते। ये विशाल ना हमारा ड्राइवर बन के आता है, सिर्फ छोड़ने आता है, लेने आता है, क्योंकि अंदर कोविड की वजह से सिर्फ एक ही जाना अलाउड है। तो अभी रियान को हॉस्पिटल से लेकर आए, चेकअप करके उसको लोशन लगाना है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, मेरे बच्चे की स्किन। तो डॉक्टर ने बोला है उसको लोशन लगाने के लिए। अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। बाय बच्चू, टाटा। बाय कर रहा है, उसका बाय नीचे से होता है, आलसी घोड़े बाय। ये देखो हमारे घर का एंट्री ऐसे कुछ हो चुका है रेडी। निधि देखो अंदर आ चुके हैं। निधि खोल, पहली बार निधि मेरे से पहले आ गई, फर्स्ट टाइम। वाह मस्त लगे थे। अंकल आपका नाम बताओ ना। हाँ, नाम बताओ आपका अपना। हाँ, क्या? अमरनाथ यादव। अमरनाथ यादव, तो ये हमारा कलर काम करने वाले हैं। कितने दिन में हो जाएगा अंकल? हाँ? कितने दिन में हो जाएगा? फिलहाल तो समझो 10-12 दिन जाएगा। 10-12 दिन, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी घर जल्दी चाहिए हमको। तो अब तक हमारे घर का इतना कुछ हो चुका है काम, अभी कलर काम चालू होने वाला है। 24 जुलाई तक मोस्टली काम हो जाएगा और हैंड ओवर कर देंगे हम। हाँ, हमको कर। बोल तो रहे हैं कि दे देंगे, अभी देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा तो जल्दी भी हो जाए तो अच्छा है। मेरा बर्थडे आ रहा है 26 को, तो उस दिन पे सोच रहे पूजा करना है, ऐसे सोच रहे उस दिन पे, देखते हैं। तो मैं मेरा पिलियन ब्लॉगिंग स्टार्ट चालू करते हुए ये हम लोग जा रहे हैं। अरे भाई नाच मत। हम लोग जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वहाँ भाई नाका जा रहे हैं वॉलपेपर देखने के लिए हमारे घर का। हाँ समझा, बाबाई नाका जा रहे हैं वॉलपेपर देखने के लिए हमारे घर का। और तो जो पिलियन ब्लॉगिंग है उसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि जो राइडर है उसका हेलमेट दिखना चाहिए थोड़ा सा, तब जाके तुम पिलियन बनोगे ना।
पता चलेगा कि भाई पीछे बैठे हो तो ये हेलमेट दिख रहा है, अभी ने हेलमेट पहना है वो दिख रहा है आधा। हेलमेट कृपया करके सिर्फ पुलिस से बचने के लिए ले, अपनी सेफ्टी के लिए लेना है तो अच्छा वाला हेलमेट ले। ओके तो ये विजन डेकोर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग घर के लिए वॉलपेपर सिलेक्ट करने आए हैं, देखते कुछ पसंद आता है कि नहीं। अभी कोई चाय वाला ढूंढ रहे भाई, चाय चाय चाहिए, चाय चाय। वॉलपेपर का काम तो हो गया, अभी चाय वाला ढूंढ रहे, चाय पी के घर पे भागेंगे। तो फाइनली मुंबई में भी ऐसे अमृतालय खुल गया और बहुत खुश हो गया मैं देख के। पुणे में ही मोस्टली पहले स्टार्ट हुआ था, अब मुंबई में भी स्टार्ट हो गया। क्या नाम है इसका? स्वामी अमृतालय। देखो मुंबई में भी ऐसी बहुत सारे अमृतालय है, प्लीज। पर अभी अभी खुला है, अभी अभी नहीं, बहुत पहले से है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो गाइस आजकल अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसको पेन होगा, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होगी, एंड फीवर आएगा उसको। पेन कहाँ होगा? सबसे पहले उसको अम्बिलिकस के उधर, इधर नाभि के उधर पेन होगा। उसके बाद एक बोनी प्रोमिनेंट होता है इधर, अपना इधर एक बोन रहता है, और अम्बिलिकस के बीच में इधर जो जगह होता है उधर दबाने पर उसको पेन होगा। पर ऐसा कोई आपको सिम्टम्स हो तो खुद से डायग्नोज मत करो, एक डॉक्टर को रिकमेंड करो और फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डॉक्टर ठीक से करेंगे। और आज हम लोग जाके आए थे, हमारा वॉलपेपर सिलेक्ट करके आए थे। कल हमको अभी जाना है भिवंडी जाना है, सोफा डाइनिंग टेबल और टीपो ये सब देखने के लिए जा रहे हैं, मैं मम्मी और हमारे जो इंटीरियर का वर्क कर रहे हैं उनके साथ। तो ये वीडियो अपन एंड करते हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी शू कर रहे थे? मम्मी फोन पे बात कर रही है मासी से और पापा। देखो as always पापा chilling, मारो छोकरो वीडियो रिकॉर्डिंग करे छे। ऊपर है तू बने पार्टी, आपड़े आज वीडियो उल्टो एंड करिए, उल्टा एंड करिए छे। तो चलो पार्टी आपड़े आ वीडियो एंड करिए, अगर वीडियो गम्यो है तो लाइक नो बटन दबाई ने नो भूको करी नाखो और सब्सक्राइब नो बटन दबाई ने नो चुंदो करी नाखो। बाय 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 बाय। इस बार भी मम्मी ने उल्टा ही किया, इतनी बार सीखा बाय बाय। अरे इस बार अभी भी कहां पर करने का है भाई? इधर करने का है। बाय बाय चलो बाय बाय। क्या बताऊं।